भोपाल सांसद साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर ने पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को पागल की संज्ञा से नवाजा। उन्होंने कहा कि भारत के लोग बंगाल की रक्षा करने के लिए पूरी तरह से तैयार हो चुके हैं। पश्चिम बंगाल की जनता विधानसभा चुनाव तृणमूल कांग्रेस को करारा जवाब देगी। बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी पागल हो गई, दिल मिला गई है, बौखला गई है। उसे समझ में आ गया है कि ये भारत है, ये पाकिस्तान नहीं है जिस पर वो शासन कर रही है। ये भारत है और भारत की रक्षा करने के लिए भारत के लोग तैयार हो चुके हैं, हिंदू तैयार हो चुका है और वो मुंह तोड़ जवाब उसको देगा। बंगाल में भाजपा का शासन आएगा, हिंदुओं का शासन आएगा और बंगाल अखंड भारत का हमारा हिस्सा है, बंगाल हमारे भारत का हिस्सा है, प्रदेश है। ये उसको अलग होना अलग करने का प्रयास कर रही थी और ये हमारे देशभक्त कभी होने नहीं देंगे। भारतीय जनता पार्टी पूरी तरह से लगी है, हमला हुआ है वो पीड़ित नहीं है, क्योंकि ऐसे हमले विधर्मी और तमाम दलगत राजनीति के लोग, वो लोग जो देश विरोधी गतिविधियां करते हैं, भाजपा के लोगों पर हमला करते हैं, अपनी कुंठा निकालते हैं और वो निकाल रहे हैं, लेकिन भाजपा डरने वाली नहीं है। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष राष्ट्रीय महामंत्री पर हमला हुआ है, लेकिन उन लोगों ने कहा कुछ भी हो जाए हम डटकर मुकाबला करेंगे। ऐसी महिला जो विदेशी परंपरा का पालन कर रही है, यहाँ उसको टिकने नहीं देंगे।